हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर। तो सबसे ज़्यादा आज के डेट में अगर कोई परेशान है तो वो है हमारे डेलेट शिक्षक साथी, डेलेट प्रशिक्षु। ये सबसे ज़्यादा परेशान है, और ये ऐसा नहीं कि इसी साल ये परेशान है, ये लोग जब भी डेलेट करते हैं इनका जो डेलेट है वो 2 साल वाला, इन लोगों का डेलेट 2.5 साल और 3 साल तक खिंच जाता है। ऐसे में किन बच्चों की गलती? उन बच्चों की गलती है जिन्होंने 1 लाख रुपये लगाकर अपना BTC कर रहे हैं, डेलेट कर रहे हैं, उनकी कोई गलती है इसमें नहीं। ये सब गलती जो है वो सिस्टम की गलती होती है। और अब की बार अगर हम बात करें तो अब की बार तो बहुत सारी जो है परेशानियां हैं। हालांकि इसको लेकर आज जो है एक न्यूज़ भी आई है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी, प्रमोट को लेकर क्या चीज़ें चल रही हैं क्या नहीं चल रही हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके हक के लिए ये चैनल हमेशा आपके साथ रहेगा। कोई भी छात्र है, चाहे डेलेड का है चाहे बीएड का है, सब हमारे बहुत करीबी है, और सबके लिए जितना हो सकेगा ये चैनल आपका सपोर्ट करेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपनी न्यूज़ की तरफ। चलिए तो आपको मैं बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट कुछ भी देना चाहते हो तो 135 से 150 रुपये के बीच में आपको ग्रेडअप ग्रीन कार्ड दे रहा है पूरे 2 साल के लिए, सिर्फ 150 रुपये से कम में भी मिलेगा ये। तो आपको नीचे लिंक दे दी गई है, जाकर आप वहां से देख लीजिए। बस याद रहे कि वहां पर आपको एक कोड डालना है, उस कोड यहां पर लिखा है TH40, याद रहे TH40 कोड अगर आप डाल देते हो तो आपको ये 150 के अंदर मिल जाएगा। और आप खुद सोच सकते हो 2 साल में आपको प्रैक्टिस करना है, तो जल्दी जाओ और तुरंत ज्वाइन कर लो, क्योंकि आज और कल ही लास्ट डेट है। उसके बाद ये जो प्राइस है ये बढ़कर 450 से 600 रुपये हो जाएगी, फिर आपको दिक्कत होगी। तो सेम चीज़ है, आज ही जाकर ले लो। चलिए तो ये न्यूज है आज निकल कर आई है, हालांकि गोंडा से ये न्यूज निकल कर आई है और आज का ही ये न्यूज़पेपर में है। अगर मैं बात बताऊं आपको तो ऐसा ही नहीं कि डेलेड के लिए ऐसी स्थिति जो है, ये बीएड वालों के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति है। रीजन असमंजस की स्थिति का मतलब ये है कि अभी जो है सरकार कुछ रुख जो है साफ नहीं कर पा रही है। जैसा कि आपको भी लगा है कि 2 दिन डेलेड वाले जो साथी हमारे हैं, इन्होंने ट्रेंड भी कराया अपने ट्विटर पर, हर एक चीज़ ट्रेंड कराया, लेकिन सरकार के कान तक जूं तक नहीं रेंगी है अभी इस पर। और जो है बहुत सारे बच्चे परेशान है कि मैं 3rd सेमेस्टर पढ़ूं या 4th सेमेस्टर पढ़ूं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आप बता दोगे कि मैं प्रमोट कर दूंगा तो बच्चे 4th सेमेस्टर पढ़ना शुरू करें। अगर आप ये क्लियर कर देते हो कि नहीं पढ़ना, हालांकि नहीं का तो ऑप्शन ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि इन बच्चों का तो ऑलरेडी जो है 2 साल पूरा खत्म होने वाला है, लगभग 2 साल हो चुका है, लेकिन अभी इन लोगों की सिर्फ 2 सेमेस्टर की पेपर हुई है। और अगर लिखे पढ़े में हम लोग बात करें तो सिर्फ 1 साल में 2 सेमेस्टर पेपर होते हैं, लेकिन नहीं, इन लोगों का 2 साल में 2 सेमेस्टर हुआ, यानी ये ऑलरेडी जो है अगर एक हिसाब से हम देखें तो बहुत ज्यादा पीछे हो चुके हैं। तो ऐसे बच्चों को 3rd सेमेस्टर को प्रमोट करके इन्हें 4th सेमेस्टर में भेज देना चाहिए, ये मेरी राय है। और सारे बच्चे, लगभग 99% छात्र जो डेलेट के 3rd सेमेस्टर में हैं, उनका भी यही मानना है, ठीक है। हालांकि हम देखते हैं इस न्यूज में क्या लिखा है कि डेलेट संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा के जिला महामंत्री हरिओम सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को सिटी मजिस्ट्रेट से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। हरिओम सिंह ने बताया कि सभी प्रशिक्षुओं का 3rd सेमेस्टर 6 फरवरी को पूर्ण हो चुका है, परंतु करीब 4 महीना बीत जाने के पश्चात भी 3rd सेमेस्टर परीक्षा आयोजित नहीं कराई जा सकी है और आगामी 1-2 माह तक कोई भी परीक्षा आयोजित ना होने की संभावना नजर नहीं आती। बिल्कुल सही बात है भाई, जुलाई से पहले वैसे भी कोई पेपर नहीं होना, क्योंकि आप देख रहे हो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सब के सब बोर्ड जो हैं कैंसिल किए जा रहे हैं। तो भैया अभी 1-2 महीने तो पेपर होगा नहीं, जिससे प्रशिक्षुओं का भविष्य जो है अंधकार के गर्त में जाएगा। सही बात है, 2 साल का डेलेट कोर्स यार कौन इतना खींचता है, पता नहीं, समझ में नहीं आता हमको ये चल क्या रहा है, क्या सिस्टम वाले क्या कर रहे हैं, एजुकेशन क्या कर रहा है, PNP क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आता यहाँ पर। तो यही सारी चीज़ें हैं, इसको लेकर ज्ञापन दिया गया है। बस बाकी जो और भी डेलेट वाले साथी हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट में हैं आप लोग अगर इकट्ठा हो तो DM के पास जाकर ज्ञापन दीजिए, SDM के पास ज्ञापन दीजिए, विधायक, मंत्री, सांसद जो भी है सबके पास ज्ञापन देते रहिए, ताकि आपके बारे में कुछ फैसला हो सके और आप लोगों का टाइम से आपका डेलेट जो है वो कंप्लीट हो सके। तो हम तो अपने आपके साथ में, जब भी आप कहोगे ट्विटर कंप्लेन करने का या कुछ भी कहोगे, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, चाहे डेलेट के बच्चे हों चाहे हमारे बीएड के साथी हों, सभी लोगों के साथ ये चैनल रहेगा, निस्वार्थ भाव से रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतनी अपडेट थी जो न्यूज पेपर में निकली थी, वो आप तक पहुँचाना मेरा काम था, वो मैंने पहुँचा दिया है। बाकी आप इसको शेयर कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।